मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का आखिरी पड़ाव पर है और यात्रा में उत्साह उमंग वही नजर आ रहा है जो बुरहानपुर में पहले दिन नजर आया था। आज यात्रा का 11वां दिन है और वो यात्रा उस इलाके से गुजर रही है जिसमें ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला, जयवर्धन सिंह के प्रभाव वाला ये क्षेत्र है। मेरे साथ खुद जयवर्धन सिंह मौजूद हैं। भव्य स्वागत किया गया था आपकी तरफ से, जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी पर कितना खरा उतरे आप ही की जुबानी बता दीजिए। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक पदयात्रा कर रहे हैं जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी और आज जिसका प्रवेश हमारे सुसनेर विधानसभा में हुआ है। और सिर्फ मैं ही नहीं या दिग्विजय सिंह ही नहीं, ऐसे अनेक हमारे और यहाँ के नेता हैं, लोकल नेता हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सिर्फ नेता ही नहीं, आप देख रहे हैं कि पूरे इस यात्रा में जो आम जन है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आम पब्लिक है, जो शायद कांग्रेस या भाजपा के नहीं है लेकिन जो आम लोग हैं, वो भी राहुल जी के साथ इसमें शामिल। कार्यकर्ता तो आपके चार्ज हो गए लग रहा है देख के, लेकिन इसका सियासी फायदा एक साल बाद कितना उठा पाएंगे? ऐसा ना हो कि ना कार्यकर्ता भी चार्ज हो गए और फिर सब शांत हो जाए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है। ये इलाका जो जिस आगर मालवा राजगढ़ आरएसएस के पैठ वाला इलाका कहा जाता है कि आरएसएस का यहाँ पर प्रभाव काफी अच्छा है, लेकिन कल राहुल गांधी ने जिन तीन मुद्दों को छेड़ा, तीन चीजों को उन्होंने जिक्र करा, मेन तो उन्होंने हिंदुत्व की बात को छेड़ा, जय सियाराम, जय सीताराम और जय श्री राम नारे का मतलब समझा रहे थे मंच से, और वो भी उस इलाके में जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, पूरा इलाके के कहा जाए, आरएसएस की पेट कहा जाता है, क्या पूरा प्लानिंग था क्या पूरा? क्योंकि आखिर राहुल जी भी पंडित नेहरू जी के वंशज हैं, इंदिरा जी के वंशज हैं और उनने हमेशा ये प्रयास किया है कि हमारा धर्म आगे बढ़े, और उनने ये भी प्रयास किया है कि जो अन्य धर्म हैं उनका भी सम्मान रहे। हमेशा हमको याद रखना चाहिए है कि हमारे भारत में जो सबसे बड़ी गर्व की बात ये होती है कि हमारे भारत में हर धर्म के लिए जगह है, ताकि हम सब लोग एक साथ रहे, सद्भावना के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। जो नारा दिया है वो सही था जो उन्होंने बताया, क्योंकि दिग्विजय सिंह बार बार जय सियाराम नारे को ही महत्व देते हैं। जरूर जरूर, क्योंकि आखिर भगवान राम के साथ सीता जी भी थी, तो इसीलिए जरूरी है कि हम उनको भी याद करें। आखिरी सवाल है, इससे यात्रा का कितना सियासी फायदा होगा आप लोगों को 2023 में? सबसे बड़ा सवाल यही सबके दिमाग में बना हुआ है। राहुल जी ने स्वयं कहा है कि ये जो उनकी यात्रा है ये गैर राजनीतिक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये यात्रा उनकी तपस्या है और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपने खुद उनको देखा होगा आज, वो लगभग अभी तो चल चुके हैं 2000 किलोमीटर, लेकिन चेहरे पर चमक है, थकान नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये भी स्वाभाविक है, अगर इतने बड़े नेता जिन्होंने, जिनके परिवार ने, जिनके पिता शहीद हुए देश के लिए, जिनका स्वर्गवास एक आतंकवादी हमले में हुआ, ये वही राहुल गांधी है जिनके दादी भी का भी स्वर्गवास एक आतंकवादी हमला में हुआ, देश के शहीद हुई, तो अगर इंदिरा जी का लाल, राजीव जी का लाल पैदल चल रहा है तो स्वाभाविक है कि जो आम जनता है उनको देखने आएगी, उनको मिलने आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में भी और 24 में भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में और देश में फायदा मिलेगा। यात्रा निकल रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही है, देश में एक संविधान एक कानून यानी नागरिकता संहिता कानून देश में लागू करने की बात कही गई है, और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर मैं कमेटी भी बना रहा हूँ। आखिर ऐसे वक्त देखिए, वैसे भी जो कानून होता है, संविधान होता है, वो सबके लिए होता है। अब असल में हो क्या रहा है कि जब से भाजपा की सरकार देश में आई है, महंगाई दोगुनी हो गई, पेट्रोल दोगुना हो गया, डीजल दोगुना हो गया, गैस सिलेंडर दोगुना हो गया, खाने का तेल दोगुना हो गया, तो इसलिए ये सब बातें बढ़ रही गुमराह कर ली बस। जी हमारे साथ जयवर्धन सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर चार्ज अप होते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा से कितना फायदा होगा ये तो 2023 के चुनाव परिणाम में पता चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एक देश एक कानून की बात की जा रही है, एक संविधान एक कानून की बात कही जा रही है, उसको लेकर उनका कहना है कि सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही है। कैमरामैन खेमचंद के साथ शबराम, न्यूज 24, आगर मालवा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।